हर्ष महद है और आप लोग ढेर टेक्नोलॉजी रहे दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे Oppo F5 के बारे में। दोस्तों ये फोन फिलीपींस में कल रिलीज हो गया था और 2 नवंबर पे इंडिया पे लॉन्च होने वाला है। दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इसकी स्पेसिफिकेशन के बारे में, जानेंगे इसकी अवेलेबिलिटी के बारे में, जानेंगे इसकी प्राइस के बारे में, आखिर में मैं दूंगा अपना ओपिनियन कि आपको ये फोन खरीदना चाहिए या फिर नहीं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सब्सक्राइब एंड स्टे कनेक्टेड। दोस्तों अगर बात किया जाए Oppo F5 की तो ये Oppo F3 का सक्सेसर है, और बताया जाए इसकी हाइलाइटेड फीचर्स की तो यहाँ पे हाइलाइटेड फीचर्स में इसकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI रखा गया है, जहाँ पे आप एक आर्टिफिशियल ब्यूटी टेक्नोलॉजी है जिसके जरिए आप जब भी सेल्फी खींचेंगे तो आपका बहुत ही बढ़िया सा इफेक्ट आप लोगों को सेल्फी में मिलने वाला है। इसके ऊपर कंपनी ने बहुत लंबा चौड़ा एक लक्ष्य दिया है, जिसके ऊपर मैंने अपने ब्लॉग पे और मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में भी लिखा है, तो आप लोग वहां जाके पढ़ सकते हो। दोस्तों अगर बात किया जाए इसकी इस फोन की तो यहाँ पे ये फोन शायद 2 वेरिएंट पे अवेलेबल होने वाला है। एक वेरिएंट होगा 3GB और 32GB, दूसरा वेरिएंट होगा 6GB और 64GB स्टोरेज का। अगर बात कीजिए 4GB और 32GB वाले फोन की तो यहाँ पे इसकी प्राइस फिलीपींस पे रखी गई थी करीबन 15,990 रुपीज, जिसकी अगर इंडियन वैल्यू निकाला जाए वो होता है करीबन 20,000 के आसपास। दूसरा जो वेरिएंट है 6GB रैम और 64GB स्टोरेज का, तो इस वेरिएंट का अभी तक प्राइस जो है वो अब तक नहीं पता चल चुका है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि ये जो फोन है दूसरा जो वेरिएंट है ये शायद नवंबर की सेकेंड वीक में ये फोन भी मार्केट में आ जाएगा। दोस्तों अगर बात करते हैं इस फोन की कैमरे की तो यहाँ पे 20 मेगापिक्सल का आप लोगों को रियर कैमरा मिल जाएगा विद एफ एच 2.0 और यहाँ पे 18 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिल जाएगा विद एफ एच 1.8। अगर बात करते हैं इसकी डिस्प्ले की तो यहाँ पे 6 इंच TFT HD प्लस डिस्प्ले मिल जाएगा विद जो आपको 1080x2160 पिक्सल की रिजोल्यूशन देगी। दोस्तों अगर बात करते हैं फोन की डिजाइन की तो ये भी अभी जो ट्रेंड पे चल रहा है जो दैट इज बेजल्स बोला जा सकता है, ये बहुत ही थिन बेजल्स के साथ ये फोन आने वाला है। दोस्तों अगर बात करते हैं इसकी प्रोसेसर की तो यहाँ पे ऑक्टाकोर मीडियाटेक 6737T प्रोसेसर लगाया गया है जो कपल्ड है 6GB और 4GB रैम के साथ, 32GB और 64GB स्टोरेज के साथ। बात की जाए इसकी एक्सपेंडेबल मेमोरी की तो यहाँ पे आप लोग 256GB तक बढ़ा सकते हैं बाय यूजिंग माइक्रो एसडी कार्ड, जिसके लिए अलग एक सेपरेट स्लॉट लगा गया है। बाकी अगर कनेक्टिविटी ऑप्शंस की बात करते हैं तो यहाँ पे डुअल सिम स्लॉट मिल जाएगा जो नैनो सिम स्लॉट होगा जो आपको 4G क्वालिटी की सपोर्ट देगी। अगर अलग कनेक्टिविटी ऑप्शन में वाईफाई, ब्लूटूथ, 4.2 GPS, 3.5 mm और FM वगैरह मिल जाएगा। अगर बात करते हैं इस फोन की लेने या नया लेने की बात की तो यहाँ पे मैं अगर यही कहूँगा कि अगर आप एक सेल्फी लवर हो, अगर आप सेल्फी लेने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो तो आप ये फ़ोन ले सकते हो, क्योंकि अगर आप सेल्फी फोकस्ड हो तो आप ये फ़ोन ले सकते हो। लेकिन अगर आप एक बेहतरीन अच्छे प्रोसेसर अच्छे स्पेसिफिकेशन के साथ एक फ़ोन खरीदना चाहते हो तो ये फ़ोन मेरे ख्याल से आप लोग के लिए नहीं है। लेकिन फिर भी अगर ये फ़ोन 15,000 के नीचे आ जाता है, 12,000 के नीचे आ जाता है, तो ये फ़ोन अगर आप एक नॉर्मल यूजर हो तभी भी ये फ़ोन खरीद सकते हो। लेकिन अगर आप एक अच्छा प्रोसेसर चाहते हो और 20,000 के अंदर खरीदना चाहते हो तो मेरे ख्याल से ये फ़ोन नहीं है। लेकिन अगर आप एक सेल्फी लवर हो, आपको सिर्फ सेल्फी वगैरह खींचना अच्छा लगता है, तो ये फ़ोन आप खरीद सकते हो। दोस्तों आप लोग कमेंट में बताएं कि आपको Oppo F5 कैसा लगा, क्या आप इस फोन को खरीदोगे किस लिए खरीदोगे, नहीं खरीदोगे तो किस लिए नहीं खरीदोगे। तो आज के लिए इतना ही, आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट करना ना भूलिएगा, अपना सजेशन देना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, इस बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, किसको इट को दबाएंगे तभी आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलेगी। दोस्तों आज के लिए इतना ही, जय हिंद, आत्माता की जय।